नियम आयुर्वेद का सातवां नियम है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना, वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40 प्लस है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, ये ऐसे कहा गया है। लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी हो आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा, वजन कब बढ़ता है ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए 3 घंटे सो गए तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए, 48 मिनट से 50 मिनट का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है? वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए आराम करना चाहिए? बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जल जाती है, अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है, इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आ जाता है खाना खाते, ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिगैस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय, उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी यही सिखाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए। लेटने की एक विशेष अवस्था है दोपहर के लंच के बाद। लंच के बाद आप जब लेटें तो हमेशा लेफ्ट साइड में, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस करवट लेट जाइए। लेफ्ट साइड में लेटने को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वाम कुक्षी। ये वाम कुक्षी की अवस्था में लेटना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कभी आपने विष्णु भगवान को लेटे हुए देखा हो तो वो वाम कुक्षी की ही अवस्था में लेटते हैं, हमेशा उसी पोजीशन में उसी पोस्चर में आप लेट जाइए। इस पोस्चर में आपको अगर नींद आ गई है तो उसको छोड़ना मत, जरूर लेना, क्योंकि ये नींद बहुत कीमती है। इस नींद को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने हजार कितने लाख लोग रुपए की गोलियां खा जाते हैं और उनको आती है। अगर आपको नींद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है, ले लीजिए, लेकिन कंट्रोल नींद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो, 48-50 मिनट, बहुत अधिक एक घंटा। एक घंटे के बाद उठ ही जाइए, क्यों? एक घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दोपहर को खाना खाते ही आराम करने का नियम।